केंद्रीय मंत्री अमित शाह ना निवेदन पर प्रतिक्रिया आपता आसाम ना विश्वनाथ में कांग्रेस पार्टी ना नेता जयराम रमेशे जणाव्यु कि पीएम मोदी हजी सुधी केम मणिपुर की मुलाकात नहीं लई चुक्या। वडाप्रधान मोदी और अमित शाह मणिपुर राजस्व दिवसे शुभेच्छाओ पाठवी है, परंतु छेल्ला 8 महीना वडाप्रधान मोदी अशांत प्रदेश की मुलाकात नहीं लीधी। मणिपुर में हिंसा ने कारण मोटी संख्या में लोग बेघर थे, मौत और सामाजिक तनाव की स्थिति है, त्यारे पीएम मौन केम छे। गृहमंत्री एक बे वार मणिपुर गया पछी प्रदेश की मुलाकाते गया नहीं। दावो कर्यो छे के आसाम में जे परिवर्तन आव्यु छे ते तरुण गोगाई ना शासन दरमियान आव्यु हतो। आसाम ना वर्तमान मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा खूब सारी रीते जाने छे के वर्ष 2001 अने वर्ष 2016 में कांग्रेस नी स्थिति शुं हती। मैं मुख्यमंत्री गृहमंत्री के बारे में यही कहूंगा कि वो मणिपुर क्यों नहीं जाते, प्रधानमंत्री मणिपुर क्यों नहीं जाते। आज मणिपुर के राज्योत्सव दिवस पर उन्होंने मणिपुर की जनता को बधाई दी है, पर 8 महीने से वो चुप क्यों है मणिपुर पर जो हिंसा, मणिपुर में जो हिंसा हुआ है, अत्याचार हुए हैं, लाखों लोग बेघर हुए हैं, विस्थापित हुए हैं, 300-400 लोग मारे भी गए हैं, सामाजिक तनाव है, समुदायों के बीच में भय शक का वातावरण है, प्रधानमंत्री चुप क्यों है और गृहमंत्री क्यों नहीं गए अब तक? एक बार 2 दिन के लिए चले गए, उसके बाद कुछ नहीं हुआ। दिल्ली कांग्रेस ना अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ए जणाव्यु के कांग्रेस 3 फेब्रुआरी थी लोकसभा चूंटणी माटे तेना प्रचार नी शुरुआत करवा जई रही छे। दिल्ली ना अमारा तमाम कार्यकर्ताओ अमारा पक्ष ना अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साथे शपथ लेशे के जे पार्टी ए देश ना लोकतंत्र ना पाया ने हानि पहोंचाडवानु काम करनार राजकीय पक्ष ने अमे चूंटणी उखाड़ी फेंकीशुं। आम आदमी पार्टी अमारी साथ विपक्षी इंडिया गठबंधन में शामिल छे, परंतु अमे दिल्ली नी तमाम 7 लोकसभा बैठक पर चूंटणी लड़वानी तैयारी करीशुं। भले पछी कांग्रेस के सहयोगी दल 7 थी ओछी बैठक पर चूंटणी लड़शे, परंतु अमे तैयारी संपूर्ण रीते करवा मांगीए छीए। आ सिवाय कोई बैठक पर लड़नार विपक्षी इंडिया गठबंधन उम्मीदवारों ने समर्थन आपवानुं अने जीताड़वामां मदद पण करीशुं। देखिए, कांग्रेस 3 तारीख को अपने लोकसभा के चुनाव अभियान की शुरुआत दिल्ली से करने जा रही है और उस 3 तारीख को हम प्रतिज्ञा दिवस के रूप में मना रहे हैं। तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता दिल्ली के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी के साथ इस बात की प्रतिज्ञा लेंगे कि हम उस पार्टी को उखाड़ फेंकेंगे जो इस देश की लोकतंत्र की बुनियाद को खोखला करने की कोशिश कर रही है, बिल्कुल बेमुख है। उनको उखाड़ फांकने की प्रतिज्ञा जो है कांग्रेस के कार्यकर्ता लेंगे और बड़ी संख्या में 3 तारीख को गीता कॉलोनी के रामलीला मैदान में सब लोग एकत्रित होंगे। देखिए, आम आदमी पार्टी निश्चित तौर पे अलायंस में पार्टनर है, अलायंस पे जो भी हाईकमान का फैसला होगा वो दिल्ली के लोगों को मंजूर होगा। तो आसाम ना सोनितपुर में भारत जोड़ो न्याय यात्रा ना भाग रूपे कांग्रेस ना नेता जयराम रमेश वाहन में जई रहा हता, तेना पर कथित हुमलो करवामां आव्यो होवानो दावो करवामां आव्यो छे। कांग्रेस ना प्रतिनिधिओ तरफ थी दावो करवामां आव्यो छे कि केटलाक लोको ए कथित हुमलो कर्यो छे अने आ घटना नी जाण पोलीस ने करी हती। हुमलो करनार वाहन पर थी भारत जोड़ो न्याय यात्रा ना स्पीकर काढ़ी नाख्या अने त्यारबाद भाजप नो झंडो लगावानो प्रयास कर्यो तेवो दावो कांग्रेस ना प्रतिनिधि महिमा सिंह तरफ थी करवामां आव्यो हतो। राहुल गांधी बनाव वखते घटना स्थल थी 2 किलोमीटर दूर हता। पहले जयराम रमेश जी की गाड़ी जा रही थी, आगे जयराम रमेश जी बैठे हुए थे, पीछे मैं बैठी हुई थी। राहुल गांधी लगभग 2-3 किलोमीटर पीछे हैं, लेकिन ये लोग यहाँ इस तरह से जो बोल रहे हैं कि हम यात्रा को निकलने नहीं देंगे, जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं और जय श्री राम के नाम से दहशत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये यात्रा जो है ये बिल्कुल नहीं रुकेगी, किसी भी कीमत पर नहीं रुकेगी। और जो तैयारियां आप लोग सब आ गए हैं, पुलिस यहाँ मौजूद है और ये सुनिश्चित करेंगे कि यात्रा निकाली जाए। एनसीपी पार्टी ना नेता सुप्रिया सुले जणाव्यु के वन नेशन वन इलेक्शन नो प्रस्ताव शुं छे अमे जाणता नथी, अमने टीवी अथवा समाचार पत्र ना माध्यम थी जानकारी मळे छे। आ माटे विपक्षी इंडिया गठबंधन ना लोकोए आ बाबते अनेक सवाल कर्या छे जेनो जवाब सरकार आपी रही नथी। तेमणे दावो कर्यो छे कि देश में लोकशाही धीमे धीमे समाप्त थई रही छे, लोकतंत्र में देश बंधारण प्रमाणे चाले छे अने तेमां जे प्रस्ताव रजू करवामां आव्या छे तेना प्रमाणे ज कामगीरी थवी जोईए। अमारी मांग छे कि सरकार
तमाम राजकीय पक्षना प्रतिनिधिओने बोलावा जोईए अने चर्चा करवी जोईए। सरकारे देशमां वन नेशन वन इलेक्शननी नीतिने केवी रीते लागू करी शकाय ए मुद्दे तेनो प्रस्ताव रजू करवो जोईए। सरकार घणा किस्सामां पोतानी मनमानी चलावे छे। नहीं, ऐसे है कि वन नेशन वन इलेक्शन का प्रस्ताव क्या है यही हमें पता नहीं। सिर्फ हम सबको जो टीवी या वर्तमान पत्र में देख रहे हैं वो थे, और होगा कैसे तो इसके बारे में हमें किसी पता नहीं है। तो इंडिया अलायंस ने साथ में मिलके अनेक सवाल पूछे हैं। ये जो देश है, ये जहां आप देख रहे हैं वो डेमोक्रेसी खत्म होने जा रही है, और जिस तरह से दड़पशाही हो रही है, और ये देश संविधान से चलता है, और संविधान में जो प्रस्ताव दिए हैं उसके बारे में चर्चा होनी पड़नी चाहिए। और हमारी मांग है कि सरकार ने इस देश के सारे जो पार्टीज है उनको बुलाना चाहिए, चर्चा करनी चाहिए, और वन नेशन वन इलेक्शन कैसे हो सकता है उसका प्रस्ताव दिखाना चाहिए। तो अयोध्या प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम पहला पीएम मोदी तमिलनाडु धनुषकोडी में कोथंदरमा स्वामी मंदिर में पूजा अर्चना करी। तो कोथंदरमा शब्द नो अर्थ थाय छे धनुष्य साथे भगवान राम। स्थानिक प्रचलित मान्यता अनुसार आ स्थान पर ज रावण ना भाई विभीषणे सौ प्रथम भगवान राम ने मळ्या हता अने माफी मांगी हती। दंत कथाओ अने प्राचीन ग्रंथो प्रमाणे आ बे स्थान छे कि ज्यां भगवान रामे विभीषण नो राज्याभिषेक कराव्यो हतो। धनुषकोडी ए स्थान छे ज्यां भगवान रामे रावण ने हरावानुं व्रत लीधुं होवानुं मानवामां आवे छे। आ पछी तेओ लंका गया हता। आ पहला दिवसे वडाप्रधाने तमिलनाडुना धनुषकोडी मां अरियल मुनाईनी मुलाकात लीधी हती। अरियल मुनाईए बिंदु मानवामां आवे छे ज्यांथी राम सेतुनुं निर्माण थयुं हतुं। आ पहेला शनिवारे वडाप्रधाने तिरुचिरापल्लीमां श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर अने तमिलनाडुना रामेश्वरममां श्री अरुलमिगु रामनाथ स्वामी मंदिरनी मुलाकात लीधी हती। तो आखिर जेनी आतुरताथी राह जोवाती हती ते घड़ी हवे आवी पहुंची छे। रामनगरी अयोध्या सजी धजी ने सज्ज थई गई छे। नवनिर्मित राम मंदिर ने पण विविध प्रकारना फूलोथी सजावायु छे। फूलोथी शणगारायेलू समग्र मंदिर जोता ज दिव्य अनुभूति थाय छे। तो मंदिर मां प्राण प्रतिष्ठा पहला महत्वना अनुष्ठान करवामां आव्या। जय श्री नामना नारा साथे हजारों भक्तोनो प्रवाह अयोध्या तरफ वळी रह्यो छे। असंख्य भक्तो अयोध्या पहोंच्या छे तो कोई अनिच्छनीय घटना न बने ते माटे समग्र अयोध्या नगरी मां जड़बेसराक सुरक्षा बंदोबस्त पण तैनात करी देवायो छे। तो भगवान श्री रामना प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम ने हवे मात्र एक ज दिवस बाकी छे। आ पहला राम मंदिर में विशेष विधिओ चाली रही छे। आज रविवार एटले के 21 जानुआरी ना धार्मिक विधि नो छठो दिवस छे। अने आज रामलल्ला नी मूर्ति ने खास जल थी स्नान करावामां आवशे। ज्यां आज भगवान राम नी मूर्ति ने 114 कळशोना पाणी थी स्नान करावामां आवशे। साथे ज आज रामलल्ला मंडप नो पूजन पण करवामां आवशे। आ सिवाय भगवान रामना शयनवास सहित अन्य घणी धार्मिक विधिओ पण थशे। प्राण प्रतिष्ठा पहला विधि नो आ छेल्लो दिवस छे। आ पछी 22 जानुआरी 2024 ना रोज प्राण प्रतिष्ठा थवानी छे। तेनी साथे 500 वर्षनी राह नो अंत पण आववानो छे। ज्यारे लोको भगवान राम ने तेमना जन्म स्थळ पर बनेला भव्य मंदिर मां बिराजमान जोशे ते क्षण कंईक अलग ज हशे। अयोध्या भगवान रामना प्राण प्रतिष्ठा समारोह ने मात्र गणतरीना कलाको बाकी रही गया छे त्यारे सुरक्षा ने लई अने तमाम तैयारीओ ने अंतिम ओप आपवामां आव्यो छे। उत्तर प्रदेशना स्पेशल डीजी प्रशांत कुमारे जणाव्यु छे कि सुरक्षा व्यवस्थानी योग्य समीक्षा करवा माटे अमारा माटे खूब ज मोटी तक छे। शहेरना घणा क्षेत्रमां ट्राफिक डायवर्जन करवामां आव्यु छे। वीआईपी व्यक्तिओ माटे सुरक्षानी अलगथी व्यवस्था करवामां आवी छे। स्थानिक पोलीस अने वहीवटी तंत्रए संयुक्त संकलन राखी आ कामगीरी करी छे। राम मंदिर परिसर अने तेना आसपास लगाववामां आवेला सीसीटीवी कैमेरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नो पण उपयोग करवामां आवशे। अंदाजे समग्र शहर में 10,000 थी वधु सीसीटीवी कैमेरा लगाडवामां आव्या छे। मंदिर परिसर है और उसके आसपास के इलाकों में जो सीसीटीवी है उसमें हम लोगों ने कुछ एआई टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया है। उसके अतिरिक्त पूरे जनपद में लगभग 10,000 सीसीटीवी कैमरा लगाए गए हैं। इस बार टेक्नोलॉजी का भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल पुलिस व्यवस्थाओं में किया गया है। जितनी भी एजेंसियां हैं, चाहे वो केंद्र सरकार की हों राज्य सरकार की हों, उनके साथ प्रॉपर समन्वय है, रियल टाइम इंफॉर्मेशन शेयरिंग है,
और सीमलेस इंफॉर्मेशन फ्लो उनके साथ है। रामलला नी प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम ने लई अने रामनगरी नो सुरक्षा बंदोबस्त चुस्त करी देवामां आव्यो छे। शनिवारे रात थी जिल्ला सहित अयोध्या धाम नी सरहद सील करी देवामां आवी। पास विना कोईने प्रवेश आपवामां नहीं आवे। सुरक्षा एजेंसीओए वडाप्रधान अने अन्य मेहमानो ज्यांथी पसार थवाना छे ते समग्र रूट पर बनेला मकानोमां सघन चेकिंग कर्यु। कार्यक्रम दरमियान सशस्त्र सैनिको अने इमारतोनी छत पर पण तैयार रहेशे। तो आ साथे ज वडाप्रधानना आगमन पहेला एसपीजी नी बीजी टीम अयोध्या पहोंची अधिकारियों साथे नी बैठक बाद तेमने स्थल नी सुरक्षा व्यवस्था पर कब्जो जमाव्यो। वीआईपी ज्यां रोकाय छे ते जग्या उपर होटल उपर पण सुरक्षा बंदोबस्त चुस्त करायो। प्राण प्रतिष्ठा ने ध्यान में राखी राम मंदिर नी सुरक्षा वधारी देवामां आवी। उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स ना एनएसजी प्रशिक्षित महिला अने पुरुष कमांडो ने पण तैनात करवामां आव्या छे। समग्र संकुल ने अभेद्य बनावी देवामां आव्यु छे। राम जन्मभूमि नी सुरक्षा माटे लगभग 1450 फोर्स तैनात छे। तो अयोध्यामां हवे रामलल्लानी प्राण प्रतिष्ठाने गणतरीनी ज घड़ीओ बाकी रही छे। देशभरमां उत्साहनो माहोल छे त्यारे जगतगुरु स्वामी रामभद्राचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री साध्वी ऋतुंभरा रविशंकर महाराज सहितना संतो महंतोए आशीर्वचन आप्या छे। प्राण प्रतिष्ठा का कार्य है वो पूरा हो जाएगा। इसके बाद में प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद में तो रामलला स्थापित हो जाएंगे। उनकी जितनी प्रक्रियाएं हैं पूरी हो जाएंगी और प्राण प्रतिष्ठा के बाद दर्शन शुरू हो जाएगा। उनकी पूजा हो जाएगी, आरती हो जाएगी, उनका स्नान हो जाएगा। सब कुछ होने के बाद तिलक लगा के उनको सजा दिया जाएगा। उसके बाद उनके जो दर्शन है वो प्रारंभ हो जाएगा। तो राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम पहला अयोध्या राम मंदिर निर्माण कमिटी ना सभ्य नुपेन्द्र मिश्राए जणाव्यू कि तमाम तैयारियों की समीक्षा करवा माटे आजनो दिवस खूब ज महत्वपूर्ण छे। देश ने जे तमाम वचनों आप्या हता ए तमाम बाबतो योग्य रीते पूरी थई छे के केम ते सुनिश्चित करवु जरूरी छे। 23मी जान्युआरी थी नवा उत्साह अने प्रतिबद्धता नी साथे अमे कार्यनी शुरुआत करीशुं। वर्ष 2024 मां मंदिर पूर्ण रूपे तैयार थई जाय तेवी अमारी कामना छे। राम मंदिर नी साथे साथे परिसर में 7 अन्य मंदिरों पण निर्माण पूर्ण करवामां आवशे। आ तमाम मंदिरों बांधकाम प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम बाद करवामां आवशे। 23 तारीख से एक नए उत्साह, एक नए कमिटमेंट, वचनबद्धता के साथ हम कार्य शुरुआत करेंगे वो कि 2024 में पूरा मंदिर निर्मित हो सके, मंदिर के साथ परकोटा निर्मित हो सके और 7 मंदिर जो बनने हैं जो हमारे सामाजिक समरसता के प्रतीक होंगे वो भी पूर्ण हो सके। ये पूरा कार्य हम लोगों को करना है। 23 जनवरी से इस कार्य में लग जाना है। तो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में हाजरी आपवा माटे बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत अयोध्या पहुंचा छे। रामनगरी पहुंचा बाद कंगनाए हनुमानगढ़ी में मंदिर में पूजा अर्चना करी त्यारबाद मंदिर परिसर में सफाई कामगिरी पण करी। तेमणे कह्युं के अयोध्या नगरी ने दुल्हननी जेम शणगारवामां आवी छे। शहर में अनेक स्थळो पर भजन कीर्तन अने यज्ञनुं आयोजन करवामां आव्युं छे। जे लोको आववा मांगता नथी तेमना विशे हुं कंई कहेवा मांगती नथी। जो कोंग्रेसना लोको इच्छता तो भगवान राम अयोध्या राम मंदिरना क्यारना पधारी गया होत। अमारा माटे तो आ समय थवानो समय छे। अत्यारे अयोध्यामां हाजर रही अने खरेखर सारू लागे छे। देखिए आप सब यहाँ पे हैं और आप सब ये साक्षी हैं कि पूरी अयोध्या दुल्हन की तरह सज रही है। हर जगह फूलों की जो है वो मालाएं लग रही हैं, फूलों से डेकोरेशन हो रहा है, तो सब राममयी हो गए हैं और एक तरह से एक ऐसा लगता है सब देवलोक में पहुंच गए हैं। देखिए उन लोगों ने अगर उन लोगों के बस की होती तो राम कब का आ जाते नहीं। उनके लोगों के बस की नहीं है तो राम अब आ रहे हैं तो उसका भी कोई रीजन है। और हमारे लिए तो ये राममयी होने का वक्त है। जिनको नहीं आना है वो कहते हैं ना कुछ तो वैसे फूफा और चाचा बन के रहे, वो नाराज रहे। अयोध्या में आवतीकाले भगवान रामलल्लाना मंदिर नी प्राण प्रतिष्ठा थवानी छे त्यारे आ विषय प्रतिक्रिया आपता भाजपना नेता गिरिराज सिंह जणाव्यू के आ सनातन धर्मना पुनः जागरण नो समय छे। केन्द्र सरकार 22मी जान्युआरी ना रोज केन्द्रीय कचेरी में
अर्धा दिवस नी रजा जाहिर करी छे। आथी अमारी मांग छे के बिहार मां पण हिंदू धर्म नी लागणी ने मान आपता प्रदेश ना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्य मां 22मीए एक दिवस नी रजा जाहिर कर्या, साथे ज दारू अने मांस ना वेचाण पर प्रतिबंध मुकवामां आवो जोईए। कांग्रेस ने राम मंदिर थी हमेशा समस्या रही छे। कांग्रेस वर्ष 1947 मां अने बीजी वखत वर्ष 1992 मां बाबरी मस्जिद ना ध्वंस पछी कल्याणसिंह ने सस्पेंड करवामां आव्या हता, त्यारे राम मंदिर नुं पुनर्निर्माण करवानी बे तक हती। भाजपे लड़त आपी छे अने मंदिरना निर्माण माटे सखत लड़ाई लड़ी हती। देखिए 22 तारीख को पूरे देश में प्रभु श्री राम का केवल प्राण प्रतिष्ठा नहीं है बल्कि सनातन हिंदू धर्म का पुनर्जागरण का समय भी है। आधे बेले तक छुट्टी भारत सरकार ने घोषित की है। मैं माननीय मुख्यमंत्री से कहूंगा कि ये बिहार भी हिंदू बाहुल्य राज्य है और ऐसी स्थिति में हिंदुओं की भावना को देखते हुए पूर्ण छुट्टी 22 तारीख को घोषित किया जाए। तो अयोध्या प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम ने लई अने न्यूजीलैंड ना रेग्युलेशन मंत्री डेविड सिमोरे जणाव्यु के हूँ पीएम मोदी ना नेतृत्व अने भारत ना दरेक लोको ने अभिनंदन पाठवा मांगू छू जेमने 500 वर्ष पछी आ मंदिर नु निर्माण शक्य बनाव्यु छे अने आवनारा 1000 वर्षो सुधी रहेशे। मोदी सरकार विश्वना पड़कारनो सामनो करवा भारतना 1 अबज थी वधु लोकोने मदद करे छे। मने आशा छे कि तेमनी पासे क्षमता अने विश्वास छे। राम मंदिरनी मुलाकात लेवानो मने घणो आनंद थशे। राम मंदिरना प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम माटे तमामने शुभेच्छाओ पाठवू छू। Jai Shri Ram to the entire Bharat, and what a wonderful celebration of a monument that will last 1,000 years. Congratulate everybody in India, including and especially Mr. Modi, for his leadership that has made this construction possible after 500 years, ready to last another 1,000 years. It's a testament to what people can do. So I wish Mr. Modi courage and wisdom as he helps over 1 billion people in India navigate the challenges of our world today. Well, I'd be delighted to visit the Ram Temple. I'm very happy to discuss any opportunities with the Indian government that might... ઠંડીથી રાહત મળી નથી। કોલ્ડવેવની અસર એટલી છે કે ઠંડીથી બચવાના ઉપાયો પણ અપૂરતા સાબિત થઈ રહ્યા છે। આ દરમિયાન હવામાન વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર આગામી 48 કલાકમાં લઘુત્તમ તાપમાનમાં 2-3 ડિગ્રીનો ઘટાડો થઈ શકે છે। ઉત્તર પ્રદેશ ઉપરાંત પૂર્વી મધ્યપ્રદેશ, હરિયાણા અને ઉત્તર પશ્ચિમ રાજસ્થાનના જુદા જુદા ભાગોમાં પણ ઠંડીની સ્થિતિ યથાવત છે। હવામાન વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર છેલ્લા 24 કલાક દરમિયાન પંજાબ, હરિયાણા, ચંદીગઢ, દિલ્હી, ઉત્તર પ્રદેશ, રાજસ્થાન, બિહાર, ઝારખંડ, પશ્ચિમ બંગાળ, સિક્કિમ અને મધ્યપ્રદેશના વિવિધ ભાગોમાં લઘુત્તમ તાપમાન 6-10 ડિગ્રી વચ્ચે રહ્યું હતું। તો અફઘાનિસ્તાનમાં એક વિમાન ક્રેશ થયું છે। અફઘાન મીડિયાના અહેવાલ અનુસાર આ વિમાન 20મી જાન્યુઆરીની રાત્રે રડારથી ગુમ થઈ અને તેના મૂળ માર્ગથી ભટકી ગયું છે। આ વિમાન ઝિબાલ જિલ્લાના બચખાન પ્રાંતમાં પર્વતીય વિસ્તારમાં ક્રેશ થયું હતું। ભારતીય નાગરિક ઉડ્ડયન મંત્રાલયે સોશિયલ મીડિયા એક્સ પર પોસ્ટ કરી અને લખ્યું હતું કે અફઘાનિસ્તાનમાં જે દુર્ભાગ્યપૂર્ણ પ્લેન ક્રેશ થયું છે તે ભારતીય નથી, આ મોરોક્કન રજિસ્ટર્ડ ચાર્ટર્ડ પ્લેન છે। અગાઉ અફઘાન મીડિયામાં દાવો કરવામાં આવી રહ્યો છે કે આ વિમાન ભારતીય છે। બચખાનના માહિતી અને સંસ્કૃતિ વિભાગના પ્રમુખ ઝબીહુલ્લા અમીરીએ જણાવ્યું કે પેસેન્જર પ્લેન કુરાન, મુંજન અને ઝિબાક જિલ્લાની સાથે તોપખાના પર્વતોમાં ક્રેશ થયું હતું। તેમણે કહ્યું કે તપાસ માટે એક ટીમને અકસ્માત સ્થળના વિસ્તારમાં મોકલવામાં આવી છે। રામ આયેંગે તો અંગના સજાયેંગે, શ્રીરામના સ્વાગત માટે ત્રેતા યુગની જેમ સજાવાઈ અયોધ્યા નગરી। રાત્રિએ મંદિરનો જે નજારો છે તે અદ્ભુત નજારો આંખો આંજી દે તેવો છે।
भगवान रामना प्राण प्रतिष्ठानी तमाम तैयारी पूर्ण थई चुकी छे। आराध्य देवना आगमननी घड़ी गणाई रही छे। मंदिर में मूर्ति ने प्रस्थापित कराया बाद समग्र राम मंदिर पर रोशनी कराई छे। आखो मंदिर परिसर नयन रम्य रोशनी थी जड़हड़ी उठ्यू छे। आ नजारो आंखो आंजी दे तेवो छे। मंदिर नी आजुबाजू ज नहीं समग्र रामनगरी पर लाइटिंग कराई छे। आ नजारो स्वर्गनी जेम चमत्कारिक लागी रह्यो छे। ज्यारे रात्रि रोशनी थाय छे त्यारे मंदिर खूब ज भव्य लागे छे। मंदिर में हाल अनुष्ठान विधि चाली रही छे। अयोध्या में राम मंदिर में 22 जानुआरी रामलला नो अभिषेक थवानो छे। आ पहला पण रामलला ना घणा फोटो वायरल थई रह्या छे। रामलला ना अभिषेक नी तैयारी छेल्ला चरण में पहुंची गई छे। आने मंदिर सहित आखी अयोध्या नगरी नो आ शणगार ऐतिहासिक क्षण नो जाने एक टेलर छे। अयोध्या में रामलला ना दर्शन हवे बंद कराया छे। हवे 22 जानुआरी प्राण प्रतिष्ठा पछी दर्शन थशे। गर्भगृह ने 81 कड़शो में भरी अने विविध नदियोना पाणी थी शुद्ध करवामां आवी रह्युं छे। वास्तु शांति विधि पण करवामां आवी। आ उपरांत रामलला नी मूर्ति में फलाधिवास पण करवामां आव्यो अने आ बधानी वच्चे मंदिर ने फूलों थी शणगारवामां आवी रह्युं छे। आ समग्र शास्त्रोक्त विधि वच्चे समग्र अयोध्या नगरी खूब ज सुंदर लागी रही छे। गर्भगृह में भगवान राम नी मूर्ति स्थापित थई चुकी छे। हवे मात्र ऐतिहासिक क्षण नी राह जोवाई रही छे। ज्यारे मूर्ति नो प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव योजाशे। राम भक्तो घरे बैठा रामलला प्राण प्रतिष्ठा समारोह ने लाइव पण निहाळी शके छे। कारण के अयोध्या में 3 दिवस माटे बाहरना लोको नो प्रवेश पण बंद करवामां आव्यो छे। मात्र आमंत्रित लोको ज अयोध्या जई शकशे। लोको घरे बैठा ऑनलाइन फोन लैपटॉप टीवी पर अयोध्या राम मंदिर में थई रहेल पूजा ने लाइव जोई शकशे। प्राण प्रतिष्ठा समारोह नु लाइव टेलीकास्ट करवा माटे संपूर्ण व्यवस्था थई चुकी छे। ब्यूरो रिपोर्ट GSTV। तो उत्तराखंडना देहरादूनमां राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम ने ध्यान में राखी राम शोभा यात्रा काढवामां आवी हती। प्रदेश मुख्यमंत्री पुष्करसिंह धामी पण आ यात्रा में जोड़ाया हता। समारोह में जाहिर सभा ने संबोधता धामीए जणाव्यु कि धामीए कह्युं आ दिवसों आटला सरळताथी आव्या नथी। आ माटे घणा लोकोए पोताना जीव गुमाव्या छे। आपणे खरेखर भाग्यशाळी छीए कि आ प्रसंग ने जोवानी तक मळवानी छे। तेमणे दावो कर्यो छे कि त्रेता युग पछी द्वापर युग आव्यो अने कळियुगना 5126 वर्ष पछी आपणे ए खुशी अने उत्साहनो अनुभव करी शकीशुं जे लोकोए राम राज्य दरमियान कर्यो हशे। आ पछी शोभायात्रा परेड ग्राउंड थी शुरू थई कनक चौक ओरिएंट चौक घंटाघर पलटन थई अने रेन्जर्स ग्राउंड खाते समाप्त थई हती। यह अवसर निश्चित रूप से हम सब लोगों के लिए बहुत ही ऐतिहासिक है, क्योंकि भगवान राम त्रेता युग में पैदा हुए और त्रेता युग के बाद द्वापर बीच में आया और कलयुग के भी 5126 वर्ष बीत गए। और उसके बाद उस समय जिन लोगों को ये राम राज्य देखने का अवसर मिला, भगवान राम को देखने का अवसर मिला, उस समय की अयोध्या को देखने का अवसर मिला, उसके बाद अगर किसी को ये अवसर मिल रहा है तो हम सब लोगों को मिला।